वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्लास लेके आया हूँ और ये काफ़ी VVI क्लास है आज का। और ये इंट्रो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मतलब कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, उसका नेचर्स क्या है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हम एक अच्छे ढंग से नोट्स बना के लाया हूँ इसलिए कि ताकि आप लोग भी इसी के बेसिस पे एक अच्छे नोटबुक में अपना नोट्स बना सकेंगे। ठीक है, तो आगे मैं आता हूँ। सबसे पहले देखिए हम लोग समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यू कहे एक लेमन भाषा में, अपने ही भाषा में चलूँ तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटेंसी की ब्रांच है जो एक मैनेजमेंट को एक सहायता प्रदान करती है और मैनेजमेंट उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना मैनेजमेंट की फंक्शन प्रिपरेशन या फंक्शन को परफॉर्म करती है, जैसे प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड बिजनेस के रिगार्डिंग अपना डिसीजन बनाती है। ठीक है, या यू कहे तो वो इसके बेसिस पे अपना बिजनेस का पॉलिसी का फॉर्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन करती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए अपने नोट्स में आता हूँ मैं, इसमें क्या कहता है। देखिए इसमें कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए क्या कहता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ प्रेजेंटिंग एंड प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन अ सिस्टमेटिक वे सो दैट इट कैन परफॉर्म इट्स मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर। यहाँ तक समझ गए, मतलब कहता है इसमें भी देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अकाउंटेंसी की ऐसी शाखा है यानी कि ब्रांच है विथ प्रेजेंटिंग एंड प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है तथा उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है किसको, एक मैनेजर को, सिस्टमेटिक वे से। सो दैट मतलब जिससे कि इट कैन परफॉर्म इट्स मैनेजमेंट फंक्शन, जिससे कि वह एक मैनेजमेंट का फंक्शन को परफॉर्म करती है। लाइक मैनेजमेंट फंक्शन में आती है प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। किस बेसिस पे, इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर। इफेक्टिव इसलिए कि अकाउंटेंसी इन्फॉर्मेशन अच्छे ढंग से अगर उसको मिल पाएगा, ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसी के बेसिस पे वो इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर से वो डिसीजन ले सकती है। अदरवाइज यदि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छे ढंग से मैनेजमेंट को नहीं मिल पाएगा तो वो इफेक्टिव और इफिशियंट बेसिस से वो अपना डिसीजन नहीं ले सकती है। जैसा कि यदि हम लोग बिजनेस करते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन यदि रॉन्ग मिल जाए मैनेजर को तो क्या है, वो रॉन्ग डिसीजन ले लेगी, क्योंकि वो तो समझेगा ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, बट हम लोग उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इसलिए समझ गए। इसलिए कहा जाता है एंड डिसीजन मेकिंग इन इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर। यहाँ तक समझ गए। एक बार और मैं रिकॉल, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है मैं उनके लिए बोला हूँ, वो अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो वैसे लिखेंगे कि प्रबंधकीय लेखांकन एक लेखांकन की वैसी शाखा है जो प्रबंधकों को अकाउंटिंग सूचना तथा अकाउंटिंग डेटा को प्रेजेंटेशन करती है किसको, मैनेजर को, सिस्टमेटिक वे से, मतलब एक अच्छे तरीका से, जिससे कि एक प्रबंध अपना फंक्शन, अपना कार्य को अच्छे ढंग से परफॉर्म करता है। उसके कार्य में सम्मिलित होती है नियोजन करना, नियंत्रण करना, संगठित करना और निर्णय लेना, एक अच्छे ढंग से निर्णय लेती है। ठीक है, और यूं कहे तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, किसी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प टू द मैनेजर एंड मैनेजर टेक डिसीजन एंड हु इम्प्लीमेंट एनी प्रोग्राम, अपना कोई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अकाउंटिंग, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के हिसाब से अगर चलते हैं तो कहता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट इन प्रोसेसिंग हिस्टोरिकल एंड प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक डेटा ऑफ एन एंटिटी टू असिस्ट मैनेजमेंट इन एस्टेब्लिशिंग प्लान्स फॉर रीजनेबल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड इन द मेकिंग ऑफ ए रेशनल डिसीजन विथ ए व्यू टुवार्ड्स दीज ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक समझ चुके हैं। फिर देखिए आगे भी कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए कंसर्न विथ इंटरनल रिपोर्टिंग विच इज ए यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन इट्स डिवर्स ऑपरेशन ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। अब देखिए हम लोग आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। अब देखिए
नेचर समझेंगे, इसका प्रकृति क्या है। हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कि प्रबंधक, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रकृति क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप डेफिनेशन में ही देखेंगे, देखे होंगे कि पहला डेफिनेशन में क्या आया, यह प्रबंधक को सहायता प्रदान करती है। मैं पहले तो एक लेमन भाषा में समझा रहा हूँ, एक चीज़ वो देखे। दूसरा इसमें आया था, इसमें क्या करता है, प्रेजेंटेशन प्रोवाइडिंग, प्रेजेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग, यानी कि क्या करता था, एक प्रेजेंटेशन करता था और इन्फॉर्मेशन की प्रोवाइड करती थी, ये भी डेफिनेशन में छुपा हुआ था। साथ ही साथ क्या करती है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, कोई भी चीज़ को फॉरकास्टिंग करती है और प्लानिंग करता है, मतलब नियोजन करती है। साथ ही साथ इसका कोई अपना फॉर्मेट नहीं होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। क्यों नहीं होती है फॉर्मेट, क्योंकि मैनेजर जो डिसीजन लेती है अपने हिसाब से लेती है, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, इसलिए कोई इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होती है। ये यहाँ तक समझ गए। उसके बाद कहता है इसी के डेटा के बेसिस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव इफिशेंसी में इम्प्रूवमेंट करते हैं, इसलिए कि डिसीजन अच्छा हो, हम लोग बिजनेस में प्लान अच्छे ढंग से बनाएंगे, स्टाफ पे कंट्रोलिंग हो, बिजनेस पे कंट्रोलिंग होगा, तो क्या होता है, इफिशेंसी में इम्प्रूवमेंट करती है। जैसे कोई वर्कर है उसके इफिशेंसी में इम्प्रूवमेंट होगी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, बहुत सारे ऐसा फैक्टर होगा उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो यहाँ तक मैंने अपने भाषा में समझाया एक शॉर्टकट में, ताकि आप लोग समझ सक पाएंगे। पहला क्या समझे, एक मैनेजर के लिए उपयोगी होती है, साथ साथ ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन करती है और बनाती है, साथ साथ इसमें प्लानिंग होती है, कोई भी चीज़ को पूर्वानुमान लगाई जाती है, इसका कोई अपना फॉर्मेट नहीं होती है, साथ साथ किसी भी चीज़ का इम्प्रूवमेंट होती है, इफिशेंसी उसके स्किल में, इफिशेंसी में क्या होती है, इम्प्रूवमेंट होती है। तो आप देखिए, मैं आता हूँ, आप नोट्स के अकॉर्डिंग आता हूँ, कोई भी चीज़ देखिए अपने भाषा में पहले समझ, उसके बाद आप एग्जामिनेशन में अच्छे ढंग से अपने भाषा में लिख सकते हैं और वहाँ पर आप प्रिस्क्राइब उसको करेंगे, अच्छे ढंग से डिस्क्राइब भी करेंगे एग्जाम में। मैं तो पूरी पॉइंट बनाया हूँ नोट्स। देखिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, पहला यूजफुल फॉर मैनेजर, करेक्ट है, क्योंकि मैनेजर के लिए उपयोगी है। आप लिखेंगे यहाँ पर, इसको डिस्क्राइब करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मुख्य कार्य है या मेन इसका जो नेचर होती है, एक मैनेजमेंट के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पे ही कोई भी मैनेजर अपना डिसीजन बनाती है तथा साथ साथ अपना मैनेजमेंट का जो फंक्शन होती है उसको परफॉर्म करती है, जैसे कि प्लानिंग बनाती है, कंट्रोलिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, स्टाफिंग करती है तथा डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन बनाती है। इसलिए कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर में सबसे फर्स्ट आएगा यूजफुल फॉर मैनेजर, मतलब कि प्रबंधक अकाउंट जो प्रबंधकीय लेखांकन है एक प्रबंधक के लिए काफ़ी उपयोगी है, पहला। दूसरी में आते हैं हम लोग, देखिए कहता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये क्या करती है, बनाती है, कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को बनाती है तथा उसको प्रेजेंट करती है, क्योंकि सूचना रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है जो सही है, जो बिजनेस के लिए रिलेवेंट है, उसी सूचना को क्या करती है, प्रेजेंटेशन करती है और उस चीज़ को बनाती भी है। यहाँ तक समझ गए, ये भी एक प्रबंधकीय लेखांकन का एक प्रकृति है। उसके बाद क्या है, फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग, फॉरकास्टिंग करती है मतलब पूर्वानुमान लगाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी लिखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रकृति यह भी है कि किसी भी चीज़ को ये फॉरकास्टिंग करती है, जैसे सेल्स की फॉरकास्टिंग करती है, कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड की फॉरकास्टिंग करती है, आने वाले समय में फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की कैसी डिमांड रहने का है, कैसा डिमांड रहेगा, इस प्रोडक्ट जो मेरा चल रहा है वो कब तक मार्केट में डिमांड रहेगा, आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर में इसका सेल क्या होगा, सेल में कितना परसेंटेज से इंक्रीजिंग होगी या कितने परसेंटेज से गिरावट होगी, अगर किसी प्रकार को सेल्स में कमी नज़र में आएगा तो मैनेजर उस पर जो भी जो रूल्स रेगुलेशन है, जो भी मैनेजमेंट का अपना इंटरनल जो भी प्रोसेसिंग है वो करके सेल्स में इम्प्रूवमेंट करेगी, इसलिए कहा गया फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग। और प्लानिंग करती है मतलब नियोजन करती है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं विदाउट नियोजन का कोई भी कार्य तो सफल होती नहीं, इसलिए प्रबंधक के लेखांकन में फॉरकास्टिंग के साथ साथ प्लानिंग की जाती है। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद फोर्थ में देखिए कहता है नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का मतलब इसका कोई अपना स्पेशल फॉर्मेट नहीं होती है। अब मैं बता दूँ, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था क्लासेज में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाया, ब्रेक इवन चैप्टर पढ़ाया, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ाया, पीवी रेशियो पढ़ाया, ठीक है,
बजट पर है, क्या इसका कोई स्पेशल फॉर्मेट था? नहीं था, ठीक ना। जैसे कि मैं बताता हूँ, अब कोई स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर बजट में तो एक फॉर्मेट बनाते थे, तो आप देखिए ज़रा, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं था। क्यों नहीं था जो आप समझिए, जैसे मैंने जब क्लास में पढ़ाया था बजट, तो उसमें बताया था कि जो फ्लेक्सिबल बजट आप बनाएंगे तो तीन पार्ट में एक्सपेंस को डिवाइड कर देंगे, फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल। और मैंने ये भी बताया था, आपको इच्छा है तो फर्स्ट में वेरिएबल लिखिए या फिक्स एक्सपेंस लिखिए। किसी को इच्छा है, कोई भी टीचर को, तो फिक्स एक्सपेंस फर्स्ट में लिखती है, उस बाद वेरिएबल लिखती है, उस बाद सेमी वेरिएबल। किसी को इच्छा है, आपको इच्छा है, तो पहले वेरिएबल एक्सपेंस लिखिए, उस बाद सेमी वेरिएबल लिखिए, उस बाद फिक्स जो भी एक्सपेंस है वो लिखिए। कितना ऐसे बनाता है कि फिक्स एक्सपेंडिचर और ओनली वेरिएबल को दिखाता है, सेमी वेरिएबल में दोनों इंक्लूडेड रहती है, तो उसका वेरिएबल वेरिएबल में डाल देती है, फिक्स एक्सपेंस को फिक्स एक्सपेंस में डाल देती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई अपना प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन अकाउंटेंसी में जो हम लोग स्टडी करते और पढ़ते हैं तो उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, एक सिस्टम से हम लोग बनाते हैं। ये जर्नल होता है उसको इसी तरह फॉर्मेट होगा, इसको इतना ही कलम होगा, लेजर बनाएंगे तो उसका इससे फॉर्मेट होगा, उसमें इतना कॉलम स्पेसिफाइड है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसका अपना स्पेशल फॉर्मेट आती है, तो ये सब अकाउंटेंसी का बात आती है, उसमें प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस का इस तरह होगा, तो बैलेंस शीट का इस तरह फॉर्मेट होगा। अब ये नहीं कि जैसी इच्छा उसे बैलेंस शीट बना दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कहते हैं इंक्रीज एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी। ऑब्वियसली है कि जब हम लोग इतने अच्छे से काम करेंगे तो एफिशिएंसी में इंक्रीजिंग होगी और इम्प्रूवमेंट होती है होगी, ठीक है। तो अब हम लोग नेचर में समझ गए, नेचर में कितना था, तो पहला नेचर में क्या था, यूजफुल फॉर मैनेजमेंट थी, ठीक है। उसके बाद देखे इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इंक्रीज एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी था, फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग भी था इसका, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेवेंट डेटा थी या इंफॉर्मेशन थी, नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट थी। आप लोग शायद समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं एक बार अपने से बोलता हूँ क्या क्या समझे नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। पहला यूजफुल फॉर मैनेजर पहला था, उसके बाद था नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, दूसरा इसका नेचर था इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होती है, तीसरा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ये थी, उसके बाद नेक्स्ट में क्या था इंक्रीज एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में भी इम्प्रूवमेंट होती है, ये इसका नेचर था। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका कहाँ कहाँ स्कोप है, मतलब इसका क्षेत्र क्या क्या है। तो देखिए आपको दिखने से ही पता चलता है, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, आप आँख बंद करके सिंपल से आप क्या लिखेंगे कि कॉमर्स में जो जो सब्जेक्ट होता है लगभग सभी जगह पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अपना स्कोप है, ठीक ना। तो इसमें याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए मैं एक बार डेडिकेट कर देता हूँ, देखिए स्कोप में क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस है, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, टैक्सेशन है, इंटरनल ऑडिट है, स्टैटिकल एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, इंटरनल रिपोर्टिंग है, अदर सर्विसेज ऑफिस सर्विसेज है। मतलब देखिए कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे ही हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज करते हैं, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप है। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इन्फॉर्मेशन हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस चीज़ को नहीं बताया जाता है कि बाय प्रोडक्ट के बेसिस पे कितना एक प्रोडक्ट का प्राइस हुआ, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताती है। तो हम लोग को इस चीज़ का मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी होती है, कॉस्ट सेंटर रहती है दिया हुआ, इसमें कि ईच एंड एवरी जो कॉस्ट सेंटर उस पर कितना कितना एक्सपेंस है अलग अलग से दिखा रहता है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका इन्फॉर्मेशन। टूल्स एंड टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल्स एंड टेक्निक हम लोग अपनाते हैं, मतलब कि इसी के बेसिस पे हम लोग ट्रेंड एनालिसिस बनाते हैं, इसी के बेसिस पे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस बनाते हैं, तो इसी को बोलता है टूल्स एंड टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस बनाते हैं। उसके बाद बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, बजट भी प्रिपरेशन करते हैं, इन्वेंट्री का कंट्रोल होती है, इन्वेंट्री शायद आप लोग पढ़े भी होंगे, टैक्सेशन है, क्योंकि टैक्सेशन नहीं होगा तो फिर मैनेजमेंट डिसीजन कैसे लेगी कि एक प्रोडक्ट का मानकर चले इतना 10 रुपया प्राइस है तो उस पर कितना टैक्सेशन होगी, यदि
30% से कंपनी है देती है, तो 30% से तो हो गया 13 रुपीज़ उसका प्राइस हुआ, तो शेव हम बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगी कंपनी का उस पर। फिर उस प्रोडक्ट पे GST लगती है, तो IGST अगर लगती है तो 18% है, किसी में 12% लगती है, तो ये सारी चीज़ों को जानकारी मिलती है। टैक्सेशन से इंटरनल ऑडिट होती है स्टेटिकल एंड ये सारी चीज़ इसको दिया गया किसमें, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप क्या समझे, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यदि पूछे तो हम लोग लिखेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल, टैक्सेशन, इंटरनल ऑडिट, स्टैटिकल एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनल रिपोर्टिंग, ऑफिस सर्विसेज, इतना जगह उसका स्कोप है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखिए फंक्शन, ये तो फंक्शन मैं कह सकता हूँ कि आपको ये डेफिनेशंस में ही छुपा रहता है, ठीक है। देखिए फर्निशिंग रिलेवेंट डेटा, इसका फंक्शन है कि कोई भी डेटा को, रिलेवेंट डेटा को फर्निशिंग करती है, प्रोवाइड करती है। मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को मॉडिफाई करती है। उसका फिनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन, फिनेंशियल एनालिसिस करती है, मतलब कि फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करके फिनेंशियल एनालिसिस, जैसे ट्रेंड एनालिसिस बनाती है, कोई कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाती है, रेशियो एनालिसिस निकालती है, उसके बाद कैश जानने के लिए कैश फ्लो एंड फंड फ्लो हम लोग बनाते हैं कि कितना कहां कहां से कैश का कलेक्शन हुआ, कहां कहां फंड का यूजेज हुआ, कहां कहां फंड का हम लोग कलेक्शन किए, इसके लिए हम लोग कैश फ्लो फंड फ्लो का प्रिपरेशन करते हैं। फिर है प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग भी इसका है। उसका हेल्प इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में भी इसका हेल्पफुल होती है। प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, असिस्ट इन मैनेजमेंट कंट्रोल है, एड टू मैनेजमेंट है, इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी है, हेल्प्स इन इवेल्युएशन ऑफ ए अल्टरनेटिव है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट कंट्रोल है। ये सब आपको ये हो गया। अब देखिए क्या कहता है, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कौन कौन सा टूल्स और कौन कौन सा टेक्निक है। देखिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब शायद समझ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन है। जैसे कि हम लोग बनाते हैं क्या चीज़, इसके लिए हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन में कितना चेंजेज हुआ, इसके लिए हम लोग फंड फ्लो बनाते हैं। उसके बाद बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैटिकल एंड ग्राफिकल टेक्निक है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। या यूँ कहे तो देखिए मैं आप लोगों को एक अच्छे भाषा में मैं एक सिंपल सा बता दे रहा हूँ कि यदि टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यदि पूछता है एग्जामिनेशन में, अगर क्वेश्चन आपको पूछता है व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड व्हाट आर इट्स टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो देखिए आप लोग सिंपल से क्या करेंगे कि जितने भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर को आप लोग स्टडी किए वही लिख दीजिए, उसी का ये टूल्स एंड टेक्निक है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़े स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिखेगा, बजटरी कंट्रोल पढ़े वो लिख दीजिएगा, बजटिंग लिख दीजिएगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, उसका स्टेटमेंट चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन लिखेगा जिसको कैश फ्लो फंड फ्लो बोला जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इसके अंतर्गत आती है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग आती है। जैसे आप लोग ब्रेक इवन एनालिसिस जो स्टडी किए हैं वो जस्ट लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग है, चूँकि हम लोग को यहाँ चैप्टर में दिया हुआ है ब्रेक इवन एनालिसिस एंड पीवी रेशियो करके। लेकिन अगर अच्छे अच्छे बुक पढ़ेंगे और इससे भी प्रोफेशनल बुक में देखेंगे तो आपको चैप्टर के नेम लिखा रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ही होता है कि आप लोग पढ़े होंगे मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ही होता है कि कोई भी कॉस्ट को हम लोग टू पार्ट में सेग्रीगेट कर देते हैं, एक फिक्स में और एक वेरिएबल में, ठीक ना। इसके बेसिस पे हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो ये हो गया आपको टूल्स एंड टेक्निक हो गया। आप लोग आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे ढंग से और ईजी वे से आप लोग समझ गए होंगे और समझ पा रहे होंगे। उसके बाद मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम MIS है, शायद आप लोग मार्केटिंग में भी पढ़े होंगे MIS मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, शायद आप लोगों को इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, फर्स्ट टाइम में जब एग्ज़ाम हुए इंटरनल तो उसमें पूछा गया है जो आपको बनाना था सब सिस्टम। अब पहले पूछा गया है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम व्हाट डू मीन बाय MIS, उसके बाद दूसरे बार पूछा गया है उसका सब सिस्टम ऑफ MIS, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे, इसलिए मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखिए इसका लिमिटेशन क्या है, देखिए कहता है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इसका ऑब्जेक्टिविटी में लैक ऑफ है, कमी है, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब इसका एक मतलब डिमेरिट क्या है
कि फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंड है। क्यों डिपेंडिंग है? यदि मान कर चलिए फिनेंशियल अकाउंटिंग इसको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती है और कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक मैनेजर को काम चलेगा ही, इसलिए वो फिनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा को कलेक्शन करती है। तो वहाँ यदि गलत रहेगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी गलत होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग गलत रहेगा तो यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी गलत हो जाएगी। कॉस्टली अफेयर, कॉस्टली अफेयर का मतलब है कि एक मैनेजर को रखने से जितने भी सिस्टम चलेंगे तो आपको ऑब्वियसली कि स्टाफ को सैलरी बढ़ेगा, एक मैनेजर को सैलरी बढ़ेगा, तो इसलिए कॉस्टली हो जाएगी। नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट, एक सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट के लिए नहीं है। वाइडर स्कोप इसका बड़ा सा एरिया है। साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंट, इसमें साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट है, जैसे कि आप कह सकते हैं बहुत सारे कोई भी चीज़ में क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है उसी को नहीं बताती है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट को ये बताती है। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आज का क्लास ने से इंड हुआ और आप लोग अच्छे ढंग से इसी को स्टडी कर लेंगे, वीडियो को देखेंगे, उस पर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे यदि अच्छा लगा तो, और साथ ही साथ आप कमेंट करेंगे कि यदि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या चीज़ बचा हुआ है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम में वीडियो लेके आऊँगा तो मैं इस चीज़ को मैं ध्यान में रखूँगा कि उस चीज़ को मैं उस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा टॉपिक को। और आप लोग को जहाँ भी प्रॉब्लम हो जिस भी चैप्टर में, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट करेंगे कि सर ये वीडियो भी बनाइए ताकि हम लोग को परेशानी हो रही, तो मैं उस वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज का क्लास इतने पिंड हुआ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।